हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हमने ये जाना था व्हाट इज़ केमिकल चेंज एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जांपल्स जो हैं केमिकल चेंजेस के वो क्या क्या हैं और जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। इससे पहले जानने से पहले कुछ बातें हमें जानने की ज़रूरत है जो इसको समझने में आपके काम आएगी। पहली चीज़ है ELEMENT, एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं कि दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड। दीज आर बेसिक कंपोनेंट्स और यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड। अब इसमें कुछ बातें देखनी होती हैं। बेसिक यूनिट या कंपाउंड कंपोनेंट है, इसका मतलब ये होता है कि हर चीज़ जो है वो प्राइमरीली एलिमेंट से बना हुआ है। कोई भी चीज़ उससे ज़्यादा नीची चीज़ से नहीं बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें सिंपली एक CO2 गैस की बात करें, गैस CO2, इसमें दो चीज़ आपको दिख रही है, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने सुना होगा जिसका नाम CO होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो फॉर्म होता है CO2। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब दो चीज़ों से कंबाइन हुआ एक प्रोडक्ट। एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है ना, C+O2 इक्वल्स टू CO2। और हम इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन फर्दर किसी दो चीज़ों से बना होगा या कार्बन किसी फर्दर दो चीज़ों से बन करके कार्बन बना होगा, ऐसा नहीं है। ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, मतलब दीज एलिमेंट्स कैन फर्दर नॉट बी डिवाइडेड। इससे प्योरेस्ट फॉर्म में कोई चीज़ नहीं मिल सकता। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट जो होता है, दीज आर बेसिक कंपोनेंट और बेसिक यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, इससे प्योर कोई चीज़ नहीं होती है किसी भी फॉर्म में। जैसे गोल्ड लें, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, दीज आर एलिमेंट्स नॉट कंपाउंड्स। ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कंपाउंड तब हो जाता है, मान लीजिए हम सिल्वर नाइट्रेट या कॉपर सल्फेट की बात करें, तो एक गोल्ड ही ऐसा कंपाउंड है जो एलिमेंट है जो कोई किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये कभी ख़राब नहीं होता है। कॉपर होता है, मान लीजिए आपने देखा होगा कॉपर जो ब्राउनिश कलर का होता है, कभी कभी उसमें रस्टिंग हो जाती है, उसकी रस्टिंग कुछ ग्रीन कलर की होती है, तो वो अलग कलर चेंज हो जाता है क्योंकि वो एक नया कंपाउंड बन जाता है। सिल्वर के साथ भी ऐसा ही होता है। आपके पास अगर सिल्वर की ज्वेलरी या सिल्वर का सामान घर पे होगा तो वो ब्लैक पड़ने लगता है या ग्रेश हो जाता है, ठीक है। वो सिल्वर ऑक्साइड की एक लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाती है, मतलब वो एक सेकेंडरी कंपाउंड है। जो प्योर कंपाउंड था वो था सिल्वर या एलिमेंट। ये सब एलिमेंट्स हैं जो प्योर फॉर्म में हमें मिलता है, फर्दर उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। कंपाउंड जब दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। आपके सिलेबस में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, उसको आपको लर्न करना होगा। आपके पास टेबल दी हुई है बुक में, ये देखिए मैग्नीशियम, ये एक एलिमेंट है, Mg, जिसका एक सिंबल है, आयरन Fe,
कॉपर Cu, सेकेंड लेटर इन सिंबल्स में ज़्यादातर स्मॉल में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन O2, और उसी के कंपाउंड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, फॉर्मूला MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, बाद में आगे कैल्शियम OH2, जहाँ OH होता है या OH2 होता है, आपको हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में शायद पढ़ाया होगा, अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर आपने पहले पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा OH जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड C+O2, इसी का एग्जांपल हमें अभी आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये टेस्ट में आएंगे। एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम एसिटेट CH3COONA, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4 एंड आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये सारा जितना यहाँ पे दिया है आपको एज इट इज़ बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। ये ऐसे क्यों लिखा है ये सब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी आपको बस इतना ही जानना है कि ये हैं क्या और इसके सिंबल्स क्या हैं, इसके फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब हम इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल इसमें आता है आपका केमिकल चेंज में, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। रिबन क्या होता है, रिबन मतलब सिंपल सा, जैसे हम देखते हैं रिबन काटना, पतला सा रिबन होता है कपड़े का, उसे कपड़े का एक पतला सा टुकड़ा, उसे हम रिबन कहते हैं। लेकिन मैग्नीशियम का भी, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसका भी एक रिबन होता है जो कि कागज़ जैसा दिखता है, उसको हम जब बर्न करते हैं तो हम जान देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन कुछ ऐसा पतला सा मैग्नीशियम रिबन आपको एक कागज़ का टुकड़ा लगेगा, अगर हम उसको बर्न करें, ठीक है, अगर हम उसको फ्लेम लगाकर बर्न करें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हो रहा हो अगर, तो क्या होगा, हमें इसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली चीज़, जब ये बर्न हो रहा होगा तो ये ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ब्राइट वाइट लाइट, या कह सकते हैं ब्रिलियंट वाइट लाइट। ज़्यादातर अगर आप लोगों ने देखा होगा पटाखे जब आप लोग जलाते हैं तो वाइट कलर की ब्राइट लाइट दिखती है, पटाखे जैसी लाइट इसमें भी आती है, और ज़्यादातर क्रैकर्स होते हैं वहाँ उसमें मैग्नीशियम यूज़ होता है, इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि एक ब्राइट बहुत तेज़ लाइट होती है उसमें जब वो जलता है तो, ठीक है। आपके बुक में देखिए बना हुआ है, ये मैग्नीशियम रिबन है, टोंग से पकड़ा और इसे लिट अप किया तो देखो ये वाइटिश फ्यूम्स जो जा रहे हैं ये मैग्नीशियम के हैं, और ये जो जल आए था ब्राइट लाइट में, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ब्रिलियंट वाइट लाइट में जलता है। अब ये जलने पे क्या होता है, जब ये जलता है तो ऐश फॉर्म होता है, कोई चीज़ जल रही है तो कुछ ना कुछ तो नीचे गिरेगा ना। अब जो ऐश गिरता है, अगर हम एक डिश में इसको कलेक्ट करें इस ऐश को, तो ये क्या होता है, ये होता है MgO, यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सराउंडिंग ऑक्सीजन। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया, क्योंकि ये तो जल रहा था, और किसके प्रेजेंस में जल रहा था, आसपास जो होता है हमारे एनवायरनमेंट के क्या होता है, O2 होता है, इसीलिए क्या हुआ, जब ये जला तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, इसीलिए हमें जो यहाँ प्रोडक्ट मिला वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। Mg+O2 इज गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, दस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज।
क्लियर। और ये जो पाउडर है, ये जो मिलता है, ये होता है वाइट कलर का, वाइट कलर का पाउडर होता है, सॉलिड नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड टुकड़े गिर रहे हों कुछ, तो वाइट पाउडर मिलता है ऐश के फॉर्म में, राख के फॉर्म में। ऐश को हिंदी में राख कहते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है, तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे अपने आंसर में। पहली चीज़, वाइट लाइट, आपको वाइट लाइट दिखती है एज अ कंक्लूजन, ठीक है। और क्या दिखता है, एक वाइट पाउडर दिखता है जो कि नीचे गिर रहा होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, MGO। और इन दोनों चीज़ों से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शन हुई क्या, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जब बर्न हुआ तो आसपास का ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ब्रैकेट में एटमॉस भी लिख सकते हैं या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, O2 अगर लिख देंगे तो चलेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि आसपास होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गिर देता है, MgO। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है, पहली चीज़ वाइट लाइट, दूसरी चीज वाइट पाउडर, तीसरी चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन क्या है, वो ये है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद बेकिंग सोडा एंड विनेगर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।